कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली में। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि कुकू की जो ये है गर्दन नेक की साइड, जो जहाँ पे चोट लग गई थी परसों, उसमें फ्रैक्चर हो गया है। सो आज इसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं, ये जो बोन वाला जो डॉक्टर होता है ना, उनके पास लेके जा रहे हैं। ये है इसका एक्सरे, देखते क्या बोलता है वो, कैसे क्या करना है। कुकू कहाँ गया आपको? कुकू कहाँ गया? फ्लैक्चर हो गया आपको? सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में इसका एक्सरे करवाने के बाद। सो गाइस, अभी हमने कुकू का चेकअप करवा लिया है डॉक्टर से, और डॉक्टर्स ने इसके गले में वो एक जैसे पट्टी टाइप होती है ना, वो हाथ रोकने वाला, उस तरीके से बांधा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके गले में इतना ज़्यादा कुछ फ्रैक्चर नहीं है, माइनर सा फ्रैक्चर है, सो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग कुकू को लेके गए थे हॉस्पिटल, डॉक्टर वो जो हड्डियों वाला जो डॉक्टर होता है ना, उसके पास लेके गए थे। सो उसने बताया है कि इसके ना इसका एक्सरे करवाया था, और इसके एक्सरे में इसकी जो यहाँ पे हड्डी है ना, वो उसने फ्रैक्चर बताया है। तो इसको अभी इतनी छोटी बच्ची है, 6 महीने की है, तो इसको वो तो करते नहीं है, क्या बोलते हैं हम, प्लास्टर या फिर ऑपरेशन वगैरह तो करते नहीं है इतने बच्चे का। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि इसको सिर्फ सिर्फ ये एक पट्टी बांधने को दी है। मैं दिखाती हूँ आपको। कुकू ये क्या हो गया कुकू? सो गाइस, ये पट्टी बांधने को दी है कुकू के लिए, ये इसको बांध के रखनी है 10 दिन तक, और उसके बाद पता लगेगा कि ये ठीक है या फिर नहीं। वैसे उन्होंने कहा है कि ना, ये जो बच्चों के जो फ्रैक्चर होते हैं छोटे छोटे, ये 6 महीने साल में ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल कवर अप हो जाते हैं, आगे जाके दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं करते हैं। और वैसे भी माइनर सा है फ्रैक्चर, ज़्यादा है नहीं, तो इस वजह से कुछ इतना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, प्रॉब्लम वाली बात है, बट स्टिल पेरेंट्स आर पेरेंट्स, यू नो। तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे इसके लिए कि पता नहीं कैसे ठीक होगी कैसे नहीं होगी, बट ठीक है, अभी थोड़ा दर्द भी कम है अभी से, आज रो भी नहीं रही है, 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब इसका हाथ बंधा हुआ है ना, तो बहुत बंधा फील कर रही है, ऐसे हाथ को बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, इसको हैबिट है ना वो हर एक चीज़ ऐसे ऐसे पकड़ने की, तो वो नहीं कर पा रही है ये, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसे। कुकू क्या हो गया? कुकू क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया? आंखों में पानी क्यों आ रहा है? कुकू पानी पीना है बच्चे को? पीठी कब है गिराती ज्यादा है लड़की है। बच्चे मिलिया, जब इसके ही ये पानी पीती है ना, तो पानी पीते हुए जब इसके यहाँ पे गिरता है ना, तो इसे बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा पानी पी के कुकू? पानी अच्छा है, पीती है पानी? सो गाइस, इसकी थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगी हमें, मिनिमम 10 डेज तक। डॉक्टर्स ने ये बोला है कि 10 दिन तक थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, इसको अभी नहलाना नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा हाथ मूव आउट करेगी ना, जितना ज़्यादा उसको इतना ही पेन होगा ना, यू नो, यहाँ की हड्डी, अब नॉर्मल बड़े इंसान की भी हड्डी वगैरह टूट जाए तो कितना दिक्कत होती है ना। गिर गया मैं बच्चा, गिर गया कुकू, गिर गई। सो गाइस, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, इसको थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ेगा, मैं बाद में बात करती हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। कुकू कहाँ कर लो पट्टी खोलने की कोशिश, गाइस ये ना पट्टी खोलने की कोशिश कर रही है, बट इसे खोल नहीं रही, वो कभी उसको मुंह से खोल रही है, कभी कुछ कर रही है। कुकू क्या हो गया? कुकू क्या कर ले हो, क्या करने की कोशिश कर? देखो कैसा हाथ डाल रखा है उसके अंदर ही अपना, दूसरा वाला, इसको खोली खोली करनी है। कुकू इसको खोलना है पत्ती को? नहीं खोलना बेटा, उस पत्ती की अच्छी कैसे पकड़ रखी है पट्टी कुकू ने। गुड इवनिंग गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब भी प्लीज़ कुकू के लिए प्रेयर करना कि कुकू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए,
और आप प्लीज़ अपने चैनल वीपी फैमिली को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और हमें कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हाई फाई ऑल्सो।